हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी एकदम बहुत बहुत बढ़िया हो गए। तो फटाफट से आप लोगों के सामने एक और प्रेजेंटेशन मैं लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है रेफर वर्क प्रेजेंटेशन आलमनी ऑनलाइन, किस तरीके से MHK टीम के साथ मिलके आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था वो वीडियोस आ चुकी है। 1 तारीख की आप लोगों को वीडियोस मिल रही है। ये फर्स्ट वीडियोज है, सॉरी, फर्स्ट वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बना के दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन की वीडियोज। किस तरीके से आप रेफर करेंगे, रेफर क्या होता है, रेफर से किस तरीके से अर्निंग होती है, इसमें पैसा किस तरीके से लगाते हैं, बिना पैसे के किस तरीके से पैसा कमाते हैं, कुछ भी XYZ किस तरीके से उसको जॉब के तरीके कर सकते हैं, या फिर आप टीम लीडर बनना चाहते हो तो आगे लोगों को काम किस तरीके से सिखा सकते हो, हाउस वाइफ हो, लड़की हो, स्कूल की स्टूडेंट्स हो, कॉलेज की स्टूडेंट्स हो, XYZ कोई भी इस काम को इजिली कर सकता है, कोई भी इस काम को इजिली कर सकता है। और जो लोग यूट्यूब पर आए हुए हैं, और यूट्यूब पे मैं सोच रहा हूँ उसको अपलोड कर दूँ, और जो लोग यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं, यदि मैंने इसको अपलोड कर दिया है तो आप लोगों को इसकी डिटेल्स एक बार लास्ट तक देख लेना। 100% गारंटीज कहता हूँ। रेफर का जितना भी काम होता है, रेफर किस तरीके से किया जाता है, क्या रेफर होता है, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन कौन सी एप्लीकेशन है एंड किस तरीके से उनकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, क्या इस तरीके का काम होता है। एक बार आपने ये प्रेजेंटेशन देख ली तो जिंदगी भर गारंटी कहता हूँ कि आप रेफर का नाम नहीं भूलोगे, रेफर से किस तरीके से अर्निंग होती है बिना पैसे लगाए 1 रुपए भी, ये चीज आप लोग नहीं भूलोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक, इजिली लास्ट तक बने रहे तो बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी एंड आप अच्छी खासी इसके अंदर अर्निंग भी कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि MHK MAIB स्टूडेंट्स जो है, एक मेरा ही ग्रुप है, जो एक मेरी ही टीम है जो इसको लीड करती है, ये आप लोगों को 100% फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से करना है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, XYZ जितने भी ऑनलाइन तरीके के काम होते हैं, ये मेरी जो टीम है वो आप लोगों को गाइड करती है बिल्कुल फ्री में, 100% फ्री में। तो वो उसके लिए आप लोग चाहो तो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्स की लिंक है और डायरेक्टली आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो लोग मेरे से डायरेक्ट फिजिकली कनेक्टेड हैं उनको तो पता ही है, और जो मेरे MIB जो स्टूडेंट्स हैं, MHK टीम के MIB स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को तो ऑफिशियली जो डेडिकेट ही कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, तो ये वीडियोज ही बनाना पड़ रहा है मेरे लिए, बाकी तो ये काम मेरा मेन काम नहीं है, मैं दूसरा काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से, और जिसको भी ज्वाइन होना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। MIB स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें मैं ज्वाइन कर दूंगा आप लोगों को, जिसमें मैं मंथली पूरे 1 महीने तक आप लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ फटाफट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ एप्लीकेशन अपने पास हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए कि रेफर में किस तरीके से यूज आती है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट इज द रेफर, रेफर क्या होता है। रेफर एंड अर्न, आपने नाम सुना होगा रेफर करके अर्निंग, आपने नाम सुना होगा, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक और बार सुन लें, काफी अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी इसमें। रेफर उस चीज को कहा जाता है जब आपके कहने से किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा या कहीं किसी शॉप पे गया या आपने किसी चीज को रेफर किया, यानी आपने किसी चीज को किसी को बताया, उसके जरिए से किसी का बेनिफिट हुआ तो वो रेफर कहलाता है। अब रेफर एंड अर्न बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, आप किसी की दुकान पे बोल सकते हो कि साहब जहाँ से सामान ले लेना वो आपको कमीशन दे देगा, इसी टाइप का एक काम होता है, उसको अपन डिजिटल ही शिफ्ट कर दिया है। अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो रेफर एंड अर्न का बहुत अच्छा हमें अमाउंट देती हैं, 1-1 हज़ार, 1200 रुपये, एक व्यक्ति पे 1200 रुपये देती हैं, यानी अगर आपने एक दोस्त को भी बता दिया वो दोस्त सिर्फ उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, अकाउंट बनाएगा और डिलीट कर देगा, चाहे वो काम करे ना करे, कुछ खरीदे ना खरीदे, अकाउंट बनाया और डिलीट कर दिया, तो भी कंपनी को ये लगेगा हाँ इस बंदे ने हमारे ऐप के बारे में बताया था तो ये हमारे लिए काम कर रहा है, कंपनी आपको 1200 रुपये एक एक रेफर पे 1200 रुपये कर देगी। इस तरीके से आप महीने की 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने कार्य को बढ़ा सकते हो, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फटाफट से, देरी नहीं करते क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे चलते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके थ्रू अपन अर्निंग करने वाले हैं। तो जो तीन मैं एप्लीकेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मुझे भी पसंद आई एंड इनको रेफर मैं भी करता हूँ, मैं भी रेफर एंड अर्न करके अर्निंग करता हूँ, ऐसा नहीं भले ही दूसरे काम करता हूँ लेकिन ये भी मेरे लिए एक पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ इनको मैं। थ्री बेस्ट रेफर ऐप, बेस्ट एप्लीकेशन फॉर
बिगिनर, बिगिनर क्या होता है, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं आता है कुछ, तो वो इन एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। नंबर एक पे आती है एंजल वन, नंबर दो पे आती है एम स्टॉक, नंबर तीन पे आती है अप स्टॉक। ये एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, इनमें आप कोई भी पैसे मत लगाओ, 1 रुपये मत लगाओ, लेकिन ये एप्लीकेशंस आपको हजार हजार 1200 1200 रुपये एक एक व्यक्ति को बताने का देते हैं। अपने पास अगर 5 10 लोग भी हैं ना, तो उनसे भी आप 20 हजार रुपये बिना 1 रुपये अपने जेब से लगाए, बिना 1 रुपये उनकी जेब से लगाए आप अर्निंग कर सकते हो। ये तीनों एप्लीकेशंस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को इन तीनों की लिंक मिल जाएगी। और अगर सीखना है तो आगे के नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने सब डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स में चल के। नंबर फर्स्ट पे मैंने जो रखा है वो एंजल वन एप्लीकेशंस को रखा है। कौन सी को? एंजल वन को। नंबर सेकंड पे एम स्टॉक, नंबर थर्ड पे अप स्टॉक। एंजल वन का आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एंजल वन ऑफर जो चलता है वो 300, 500 और 750 रुपये चलता है, 300, 500 एंड 750 रुपीज़ इसका ऑफर चलता रहता है। यानी एक व्यक्ति को अगर आपने बताया इस एप्लीकेशंस के बारे में, उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन डाउनलोड की, अकाउंट बनाया, वो वहाँ पर उसने उसकी आईडी बनाई, वो वहाँ पे इसने कोई भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी काम नहीं करा, तो भी एंजल वन आपको एक रेफर का 500 रुपये से 750 रुपये देता है। अभी का फिलहाल का जो करंट प्राइस मैं बता दूं, अभी ऑफर का क्या चला है, वो 750 रुपये चल रहा है, मेरे फोन पे अभी 750 हो रहा है। तो अगर आपने एक महीने में 10 लोगों को भी अगर एंजल वन के बारे में बता दिया, तो एंजल वन की तरफ से आपको 7500 रुपये दिए जाएंगे। एक जने को बताओगे 750 आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, दो को बताओगे 1500 रुपये भेज दिए जाएंगे, तीन को बताओगे 4500 रुपये भेज दिए जाएंगे। मतलब एक एक आईडी पे भी आप लोगों को पेमेंट मिल जाता है। सेकेंड पे आता है हमारा एम स्टॉक, तो ये भी एक रेफर पे 555 रुपये बेसिकली देता है। एम स्टॉक 555 रुपये एक रेफर पर देता है। लेकिन दोस्तों एक और तरीका है, सेकेंड तरीका, जो दूसरी एप्लीकेशंस के थ्रू इसको रेफर किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को MIB के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से दिया जाता है 750 रुपये, क्योंकि मैं तो 750 ही लेता हूँ। ये भी आपको 7500 रुपये देता है 10 रेफर पे। आप स्टॉक बता देता हूँ, आप स्टॉक 300, 500 और 1200 रुपये। हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी आप स्टॉक पे ऑफर चलता है 1200 रुपये एक एक रेफर का दे देता है, लेकिन फिलहाल में जो अभी चल रहा है मेरे पास है वो 500 रुपये का चल रहा है, एक व्यक्ति में 500 रुपये। अब मान के चलिए मेरे पास दोस्त हैं, मेरे खास दोस्त हैं, और मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी चीज़ का आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, अब तो मुझे फंड की ज़रूरत पड़ रही है, अब मुझ पर पैसा नहीं है, तो मैं किस तरीके से काम करूँगा? मैं दोस्तों से मांगूंगा उधार, तो साले दोस्त ही ऐसे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, क्या कर। खैर XYZ, दोस्तों की बुराई नहीं करना चाहिए, बुरा लग जाएगा, मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं, ऐसी नहीं, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा था, कई लोग ऐसे होते हैं। तो दोस्तों के पास गया कि भाई मुझे पेमेंट चाहिए, उन्होंने बोला भाई किसी रीज़न की वजह से हमारे पास आज पेमेंट नहीं है, तो आप उनको एक एक एप्लीकेशन रेफर कर सकते हो, उनको बता सकते हो। या जो लोग अभी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, जिनको वॉर्म्स लीड्स बोलते हैं, उनमें अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है, फालतू बैठा हुआ, तो उसको भी गाइड कर सकते हो, मेरी ये प्रेजेंटेशन भी उसको सेंड कर सकते हो कि भाई इस तरीके से तू भी काम कर। तो एक व्यक्ति को आपने एक एंजल वन रेफर कर दिया, एक एम स्टॉक रेफर कर दिया एंड एक आप स्टॉक रेफर कर दिया, अब उसको तीनों रेफर कर दिए, तो आपको कितने रुपए मिले? एंजल वन ने 750 दे दिए, एम स्टॉक ने 750 के दे दिए, आप स्टॉक ने आपको 500 रुपये दे दिए, तो एक व्यक्ति से आपने कितने कमाए? 15 और ये 5 2000 रुपये। तो आपने एक व्यक्ति से, यानी एक दोस्त से 2000 रुपये कमाए, आपने 10 दोस्तों को लिया, तो आपने देखे नीचे ये मैंने कैलकुलेशन लगा दिए, आपने 10 दोस्तों को अगर रेफर कर दिया, तो 20000 रुपये आपके पास इजिली 20000 रुपये आपके पास होंगे। वो चाहे आप 5 दिन में रेफर कर दो, 10 दिन में कर दो, 15 दिन में कर दो, 1 महीने, डिपेंड आपके ऊपर करता। ये तो फ्रेंड सर्कल में हुआ, लेकिन अपन को काम करना है, आगे बढ़ाना है, ना कि फ्रेंड से इनकम करना, अपन को आगे बढ़ाना है। तो आपके पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फैन फॉलोवर है, 100 200 से नीचे किसी की भी नहीं है, पता है 100 200 से नीचे किसी की भी नहीं है। अपन को तो अगर एक टारगेट बना के चलेंगे, भाई मुझे ये मेरी जॉब है या मेरा एक काम है ये, तो हम टारगेट बना के भी चलेंगे, मुझे सिर्फ एक महीने में 10 ही आईडी चाहिए, यानी 10 लोग चाहिए जिनको मैं काम सिखा सकूं, कि वो भी कुछ इनकम कर लें। भारत में बेरोजगारी की कमी नहीं है, भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, ये सब आप लोग पढ़े लिखे हो जानते हो, तो ये काम कोई भी कर सकता है। इस तरीके से ऑनलाइन कर लीजिए, आप तो अपनी आइडेंटिटी मत बताइए कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ कोई हूँ नहीं हूँ, मैं बताइए ही नहीं आप तो,
फेक अकाउंट बनाई, लड़का लड़कियों की बहुत फेक आईडीज बनती हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर, पता है आप सबको। तो आप वहां पे फेक आईडीज बना के क्रिएट करके लोगों को गाइड कर सकते हैं, वॉइस डालने की भी जरूरत नहीं है, मेरी प्रेजेंटेशन आप सेंड कर दीजिए, उन लोगों को रेफर कीजिए। तो इस तरीके से आपने अगर एक महीने में 10 लोगों को भी रेफर किया तो 20,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए, घर बैठे बैठे। उससे अच्छा और क्या चाहिए भाई, आपके जेब से 10 भी रुपये नहीं लगे और 20,000 रुपये महीना अगर आपकी अर्निंग बन रही है तो और अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। आप हाउस वाइफ हो एंड आपके नाम से स्टूडेंट हो, लड़की हो लड़का हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अपना काम पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो आपको ये काम है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप तो इस चीज़ को आप एक बार चला दिया, पैसे इनकम जनरेट होती जा रही है। तो इस तरीके से देखो, पूरी नॉलेज तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, मैंने भी कहीं ना कहीं यूट्यूब से सीखा है, मैं 2-3 साल से इस फील्ड में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हूँ, तो मैंने भी कहीं से सीखा ही होगा। मुझे कोई गुरु नहीं मिला, जिससे सीखने को मिला मैंने सीखा, बहुत सारी चीज़ों से सीखा, एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ इस तरीके से अपना काम करिए, आगे बढ़िए। 20,000 रुपये महीने घर आ रहे हैं, क्या बुरे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशंस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टर्म एंड कंडीशंस क्या होती हैं, जो भी ऐप की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको क्या चाहिए जब वो आपको पेमेंट करेगा। एंजल वन की तरफ से आता है कि जिस भी व्यक्ति की आप आईडी बनाओ तो वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कोई ऐसा काम तो है नहीं है, आप रेफर करके अर्निंग कर रहे हो इसमें, तो वेरिफिकेशन के लिए सब चीज़ें लगती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की निगाह में आप काम कर रहे हो। अगर इलीगल काम है तो आप टैक्स पे नहीं करोगे, सीधी सी बात है, अगर टैक्स चोरी हो रहा है तो वो इलीगल काम है, लेकिन गवर्नमेंट की निगाह में अगर कोई काम हो रहा है तो वो आपका इलीगल नहीं, वो लीगल काम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती है। तो ये सब जो अपन इनकम करते हैं तो इसके ऊपर कुछ 1-2% का या कुछ परसेंट का GST गवर्नमेंट इजिली ले लेती है, तो इसलिए गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सभी चीज़ों को लेती है। तो एंजल वन में सिर्फ आपको आईडी बनाना है, एक आईडी पे 750 रुपये आपको मिलेंगे। और बात करते हैं हम अगर अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक में भी सेम टू सेम सभी चीज़ें सेम है, बस अपस्टॉक में ये चीज़ें आप लोग देख लेना कि अपस्टॉक की आईडी जैसे ही एक्टिव हो जाती है तो उसमें 10-20 रुपये का ऑर्डर आप डाल दीजिएगा, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा कि आप 500, 1,000, 50,000 का कुछ ऑर्डर डालो, सिर्फ 10 या 20 रुपये उसके फ़ोन पे डाल के अपस्टॉक में आप एक बार अकाउंट को एक्टिव कर दीजिएगा, तो उसकी जो एक्टिव टीम है वो वेरीफाई कर लेगी और उसके बाद आपका आप स्टॉक का जो 500 रुपये वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं हम, तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा एम स्टॉक। अब एम स्टॉक में भी सेम टू सेम कंडीशंस फॉलो होती हैं, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों का आप एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, ना आए तो यूट्यूब पर देख लेना आप। इसमें बस एक चीज़ है, एम स्टॉक में आपको 200 रुपये से ऊपर का ऑर्डर डालना पड़ेगा, 205, 210 रुपये का ऑर्डर डाल लीजिएगा और अगले दिन ही पेमेंट विड्रॉल कर लीजिएगा, यानी आपकी जेब से कुछ भी पैसे नहीं लगे, एक दिन के लिए डाले आपने वापस निकाली, सिर्फ एक्टिव करने के लिए डाले हैं। हाँ, अगर आप इन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए इशू की बात है, आपके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि फिर पेमेंट आपका आना ही नहीं, पेमेंट आपका आने ही नहीं है। इन चीज़ों को फॉलो करके चलना, समझ के चलना, बिना पढ़े लिखे आधा अधूरा ज्ञान खतरे से खाली नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा बहुत तो लीड डाटा वगैरह बता देता हूँ, टाइम कम है मेरे पास। लीड डाटा मैं बता दूं कि एंजल वन में एक आईडी पे आपको 10 10 लीड एड कर सकते हो, यानी एक आईडी से आप 10 आईडी बना सकते हो, बस एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 10 आईडी बना सकते हो। 10 आईडी बना ली आपने, मान के चलिए 10 आईडी आपने 10 दिन में बना ली, डेली की एक आईडी भी बनाई, या फिर एकदम से जैसे काम स्टार्ट किया 10 फ्रेंड्स थे, 10 फ्रेंड्स की 10 आईडीज बना दी, आपके मेरे पास आईडी नहीं बची, तो देखो 10 से 11 मत बनाना, क्या 11वीं का पेमेंट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, फैमिली में 3 आईडीज हैं, तीनों आईडीज का कम्प्लीटली कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर अपन देखें तो रेफर अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक पे भी 10 लोगों का ही मिलता, तो आप इस तरीके से अलग अलग मल्टीपल आईडीज से कर सकते हो। मेरे पास तो 15-20 आईडीज हैं, इसलिए मुझे कोई इश्यूज नहीं है। एंड अगर बात करें हम एम स्टॉक की, एम स्टॉक की जो ट्रिक है वो आप लोगों को अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बताऊंगा डिटेल्स में, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, 10-15 मिनट, तो इसमें टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं एम स्टॉक की आप लोगों को बाद में बताऊंगा। हाँ, लेकिन यह है कि एम स्टॉक में आप अनलिमिटेड लीड सेट कर सकते हो, डिपेंड योर कैपेसिटी, जितनी ज़्यादा तुम्हारी कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो और आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जो भी लोग इसको थ्योरी को मानते हैं ना, जैसे कि हार्डवर्क से ही सब कुछ मिलता है, तो लेकिन मैं इस थ्योरी को, इस नज़रिए को नहीं देखता हूँ, मेरा नज़रिया जो है वो अलग है। क्योंकि देखो, हार्डवर्क करोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो,
क्योंकि इसमें हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत होती है। आप जब दिल से काम करते हो ना तो वो काम सक्सेसफुली भी होता है एंड आपको थकान भी नहीं होती। इस तरीके से आप काम करोगे, फर्स्ट में आप वीक में आप हो सकता है कम अर्निंग करो, सेकंड वीक में आप थोड़ी ज़्यादा कर लो, मंथ में कम कर लो, फोर्थ मंथ में ज़्यादा कर लो, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड्स निकलता जाएगा ना तो इसमें आप लोगों की कैपेसिटीज एंड स्किल्स एंड नॉलेज दोनों इंप्रूव होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और टाइम लगेगा तो आपको स्किल्स आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, इन चीज़ों को कंबाइंड करके आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हो, आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन सी कंप्लीट हो गई, तो ये चीज़ें आप लोगों को थी, आप लोग देख लेना। मैंने इन सब की एप्लीकेशंस की लिंक मैंने डाल दी, और जो मेरे MIB स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ग्रुप में से अभी ऐड हैं फिलहाल की कंडीशन में, वो लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। कोई इश्यूज आता है जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड कर सकते हैं, एंड जो कि डिजिटली मिल रहे हैं मुझसे, डिजिटल मिले हैं यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, XYZ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले हैं, वो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर उनको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो मेरा मेल है, मेल आईडी पे वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। ऐप्स की जितनी भी डाउनलोड लिंक है मैंने नीचे दे दी है, और कुछ सीखना है तो आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हो, क्योंकि मैंने भी सीखा, मेरे पास इतना टाइम तो रहता नहीं कि मैं आप एक एक व्यक्ति को हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँ। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि लोग किस तरीके से कन्वेंस करना पड़ेगा, लोग नहीं मानते, XYZ बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन इन सबको आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो डिपेंड ये करेगा ना, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझ ले रहा है और सीख लेना। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम इस चीज़ को समझ जाओगे एंड अच्छे तरीके से समझ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।